नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक और मेरे साथ है गोपाल जी। और जैसा आपको पता है कि वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, आज है शनिवार का दिन, यानी कि आज दो मैचेस देखने को मिलेंगे। तो पहला मैच जो दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा, राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, गुवाहाटी में ये मैच है। दोनों ही टीम अपना आखिरी मैच हार कर आ रही हैं। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स के विरुद्ध मैच जो था वो हार गई थी इसी मैदान पर, गुवाहाटी के ही मैदान पर, और दिल्ली कैपिटल्स अपना आखिरी मैच गुजरात टाइटन से हार कर आ रही हैं। तो क्या लगता है गोपाल जी, कौन अपनी जी इस हार की श्रृंखला को तोड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो दोनों टीमें अपने घर पर हारी। गुवाहाटी ही बता दूं, राजस्थान का भी होम ग्राउंड है एक तरीके से, तो वहां फैंस 80-20 होते हैं। 80 बिल्कुल राजस्थान के सपोर्ट में होते हैं, जो दूसरी टीम होती है अगर वो चेन्नई ना हो तो वही दूसरी टीम के कम सपोर्टर होते हैं, नहीं तो धोनी के वैसे सपोर्टर तो हर जगह होते हैं। लेकिन दिल्ली भी अपना पिछला मुकाबला दिल्ली में हारी थी गुजरात के खिलाफ, तो उनके लिए भी समस्या है एक तरीके से कम नहीं है। अब देखना यह होगा कि गुवाहाटी में जो होने वाला है, जहां रन बनते हुए नजर आए थे पहले मुकाबले में जो पंजाब के खिलाफ हुआ था, तो उम्मीद यही करेंगे कि मुकाबला अच्छा हो, लेकिन अपर हैंड यहां पे नजर आएगी बिल्कुल राजस्थान, क्योंकि एक तरीके से भूखा शेर कह सकते हैं। जॉस बटलर पिछले मैच में नहीं चले, संजू सैमसन का बल्ला नहीं चला, ट्रेंट बोल्ट की उस तरीके से गेंदबाजी देखने को नहीं मिली, चहल की गेंदबाजी नहीं देखने को मिली, तो सारे एक तरीके से प्यासे होंगे दिल्ली कैपिटल के सामने, उन्हीं एक तरीके से अपने ही घर पर, तो एक तरीके से मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन अपर हैंड कह सकते हैं कि राजस्थान का देखने को मिल सकता है। जी, ऐसा खबर भी आ रहा है कि शायद जॉस बटलर जो है वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि पिछले मैच में पंजाब किंग्स के विरुद्ध जब शाहरुख खान का उन्होंने कैच लिया था तो उनके जो छोटी उंगली है दाहिने हाथ की उसमें चोट लग गई थी और उसमें कई स्टिचेस भी पड़े थे। तो इस मैच में ऐसा माना जा रहा है कि वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो क्या लगता है उनके जगह पर जो परफेक्ट रिप्लेसमेंट है राजस्थान रॉयल्स के लिए वो कौन हो सकता है, और किसके साथ ओपनिंग में जाना चाहेगी राजस्थान रॉयल्स अगर जॉस बटलर अवेलेबल नहीं है तो? मेरे हिसाब से देखिए, ओपनिंग अगर हो सके तो देवदत्त पड्डीकल से आप करवा लीजिए, वो बेहतरीन मौका हो सकता है आपके लिए। वहीं यशस्वी जायसवाल उनके साथ एक तरीके से रिप्लेसमेंट के तौर पर, रिप्लेसमेंट क्या हो तो एक तरीके से है ही, लेकिन यशस्वी जायसवाल के साथ देवदत्त पड्डीकल तीसरे नंबर पे, अगर आप किसी को खिलाएंगे भी तो वो फॉरनर प्लेयर बॉलर हो सकता है, वो नीचे खेल सकता है एक तरीके से, वो अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जॉस बटलर एक तरीके से उतने कमी खलेगी, तो जी हाँ बिल्कुल खलेगी, ऐसा नहीं है कि उनकी कमी नहीं खलने वाली है, जिस तरीके के बल्लेबाज हैं वो, उनकी भरपाई करना एक तरीके से बहुत मुश्किल होगा। जी, जो रूट का क्या रिप्लेसमेंट हो सकते हैं जॉस बटलर के कल के मैच में, क्योंकि जो रूट भी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले हैं इस बार, तो कहीं ना कहीं वो भी नंबर 3 पर आके एक छोर पकड़ के खेलने बिल्कुल वाले बिल्कुल प्लेयर रहे बिल्कुल, इसमें कोई दोहराय नहीं है, बिल्कुल जोस बटलर की जगह जो रूट खेल सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया देवदत्त पड्डीकल जो नीचे अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप संजू सैमसन की या तो ओपनिंग करवाएं, संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल, ये भी अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन उम्मीद जिसकी ज्यादा है शायद देवदत्त पड्डीकल, आपको दोनों लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आपको ओपनिंग करते हुए नजर आए, तीसरे नंबर पे जो रूट और चौथे नंबर पे संजू सैमसन, या तो तीसरे नंबर पे संजू सैमसन चौथे नंबर पे जो रूट, ये भी हो सकता है, नहीं तो शायद संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, जो शायद प्रोबेबल भी लग रहा है। जी, और वही बात करें अगर दिल्ली कैपिटल्स की, तो दोनों ही मैच हार कर आ रही है टीम, अभी तक एक भी जीत मुकम्मल नहीं हुई है इस टूर्नामेंट में। तो कहाँ वो लैक कर रहे हैं आपके हिसाब से, बैटिंग में या बॉलिंग में, कहाँ पर उनको वर्क करने की जरूरत है अगर उनको राजस्थान के विरुद्ध ये मैच जीतना है? देखिए, नाम तो बड़े बड़े हैं दिल्ली में, कोई दोहराया नहीं है, लेकिन नाम के साथ आपको प्रदर्शन भी करना होगा, जिस तरीके से निकल कर नहीं आ रहा है। दोनों ही अगर इनिंग में देखे तो बल्लेबाजी बहुत बड़ी कमजोरी रही। डेविड वार्नर चले जरूर पहले मैच में, अर्शद की पारी खेली, लेकिन धीमे तरीके से खेल रहे थे, तो वो एक वजह बनी। दूसरे मैच में तो कोई नहीं एक तरीके से चला, पहले मैच में लखनऊ के सामने आपको याद होगा सरफराज खान, जिस तरीके से मिचेल मार्श, पृथ्वी शॉ, जिस तरीके से मार्क वुड ने पंजा खोला था उनके खिलाफ, वही कमर तोड़ कर रख दिया था एक तरीके से। तो बल्लेबाजों को चलना बहुत जरूरी है, और आज तो गुवाहाटी में मैच है। मयंक ने पहले ही बताया था कि गुवाहाटी में रनों का अंबार लगता है, और आज अगर रनों का अंबार पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, रॉबमन पॉवेल जैसे बल्लेबाज अगर लगाने में कामयाब रहते हैं तो मुकाबला बिल्कुल कड़े का हो सकता है, क्योंकि जॉस बटलर जैसा कि आपने बताया कि मुझे तो इतनी अपडेट नहीं पता, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि आज नहीं खेल सकते हैं, तो शायद कम एक तरीके से एज रहेगा राजस्थान के पास। लेकिन अगर इनका बल्ला चला गेंदबाजी में, तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, एनरिक नोकिया, जिस तरीके से पहली गेंद पे आते ही आईपीएल में विकेट लिए, अच्छे लय में लग रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजों को चलना बहुत जरूरी है। तो
यही बात कर रहे थे हम और गोपाल जी कि दिल्ली और राजस्थान के मैच में किसका पलड़ा भारी है। अगर तो एक बार हेड टू हेड अगर बता दूं आपको, 36 बार दोनों, माफ कीजिए 26, 26 बार दोनों टीमें आमने सामने आई है, 13-13 का मुकाबला है मैच। यानी बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि किसी के पास ज्यादा नहीं है और किसी के पास कम नहीं है, दोनों 13-13 मुकाबले जीत चुके हैं। तो इसमें तो कोई वो नहीं है, आज जो जीतने वाला है वो बिल्कुल एक तरीके से 1 पॉइंट आगे हो जाएगा 14 जीत के साथ। तो मुकाबला बिल्कुल कड़ा है, और ऐसा नहीं कि अभी से, हमेशा से ही आईपीएल में इनके कड़े मुकाबले रहे हैं, जो ये आंकड़ा गवाही भी दे रहा है एक तरीके से। तो देखना ये होगा कि किस तरीके से मुकाबला होगा। अगर स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो स्पिन गेंदबाजी भी दोनों में बिल्कुल संतुलित है, इधर से कुलदीप यादव उधर से चहल कुलचा की जोड़ी तो आमने सामने होंगी, लेकिन विरोधी टीमों में एक तरीके से नजर आएंगे। वहीं उधर से अश्विन होंगे तो इधर से अक्षर पटेल आपको नजर आएंगे, तेज गेंदबाजी में इधर एनरिक नोकिया होंगे, उधर बिल्कुल ट्रेंट बोल्ट नजर आएंगे। ओपनिंग बल्लेबाजों में बात करूं तो अगर जॉस बटलर नहीं खेलते हुए नजर आते हैं तो आपको यशस्वी जायसवाल के साथ या तो देवदत्त पड्डीकल या संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दिल्ली का ओपनिंग पेयर एक तरीके से हैवी है, लेकिन वो हैवी किस काम का, जब अगर चला ही नहीं वो बल्लेबाज तो पृथ्वी शॉ अगर चलते हैं तो वो बिल्कुल कड़ा देखना होगा। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो उधर सिमरन हेटमायर है, तो इधर एक और बेस्ट इंडियन पावर रॉबिन पॉवेल है। तो बिल्कुल मुकाबला कड़ा का कह सकते हैं, लेकिन जो टीम अगर देखना होगा कि गुवाहाटी में जो पंजाब वाले मुकाबले में देखने को मिला था, उस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उसको भी देखते हुए यहाँ पे फैसला लिया जा सकता है। जो टीम तो जीतेगी, पहले गेंदबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहेगी एक तरीके से, वो जरूर चाहेगी कि पहले बल्लेबाजी कर ले, माफ कीजिए पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं हो कि वो करना दिक्कतों का सामना करना पड़े, तो वो एक तरीके से बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। तो यही था इस मैच का पूरा, जो कहते हैं हम, प्रीव्यू। और हमारे साथ ऐसे ही इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी प्रेडिक्शन क्या है, आपकी जो प्रेडिक्टेड 11 क्या है। वो छोड़िए, पहले अपनी प्रेडिक्शन एक तरीके से बता दीजिए, राजस्थान या दिल्ली? जी, मैं चाहता तो हूं कि दिल्ली जीते इस बार। नहीं तो मैं बिल्कुल, अगर ये दिल्ली है तो मैं राजस्थान होना ही पड़ेगा। वैसे दिल तो दिल्ली के साथ है कि दिल्ली जीते, कोई इसमें नहीं, क्योंकि यार दोनों मुकाबले हार गए तो मैं भी चाहता हूँ अब जीत जाए। शुरुआत करें शुभारंभ, आईपीएल 2023 लगभग सभी के लिए स्टार्ट हो गया, लेकिन इनके लिए नहीं स्टार्ट हुआ है, तो हम तो यही चाहेंगे दिल्ली जीते। लेकिन राजस्थान के पास एज है, लेकिन जॉस बटलर की अनुपस्थिति में ये भी कमजोर नजर आ रही है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम आज मुकाबला जीतने में कामयाब रहती है, जो पिछली हार को एक तरीके से कौन सी टीम जीत में तब्दील कर पाती है। बेहद दिलचस्प होगा, 3:30 बजे से मुकाबला शुरू होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।